Sir, by seizing the opportunity of delving into these discussions under Rule 342, I would like to highlight some of the important issues because most of the issues have already been covered here over the long discussions. Sir, I feel very sad and depressed of observing the attitude of this ruling dispensation. See, the intent and purpose of bringing this kind of white paper simply not convincing. It is nothing but a sheer concoction. Rather, it can be said that a granary of concoctions and a mountain of lies presented before us. What is the need of it? I do not know. If the government or the ruling dispensation is enthusiastic enough to exercise the vilification campaign and indulge into the competitive abusive languages against the opposition parties, that is up to them, that is up to the virtue of the ruling dispensation. I cannot offer any homilies upon them because they are all well experienced, well educated, well erudite persons. But at the fag end of this session, this kind of white paper, only with an objective to tarnish the 10 years of UPA government, does not cast much ice. It is nothing but an electoral manifesto with an objective of scoring electoral brownie point that has prompted you to bring this kind of white paper. Sir, Rome was not built in a day. We must keep in mind. Aap ya hum jo bhi ho hiya, kabhi maa ke garbh mein dharan kiye the, apna apna maa ne pala posa bada kiya, hiya pahunche. Hiya pahunchne ke baad agar hum log sare ateet ko asvikar kare, नकारते, तो लोग क्या कहेंगे? अतीत को भूलना नहीं चाहिए। मैं बताता हूं, आपने जरूर कुछ कमाया होंगे, लेकिन आपने जो कुछ कमाया उसमें घमंड ना कर, क्योंकि ये जो शतरंज की पारी है ना, शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे दोनों को डिब्बे में रख दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग घमंडी नहीं करते, आप घमंडिया बन चुके हैं। अच्छा, हर बात में फैमिली, परिवार, नेहरू, ये सबको गाली देने में क्या फायदा है हमें, बताइए? तो वो लोग नहीं है अभी इस दुनिया में, वो लोग नहीं है दुनिया में। ये परिवार को दिन रात गाली दे जाते हैं, ये सदन की, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह में गाली गाली गाली, क्या इसके, इसको क्या, हमारा मकसद क्या रहे? अब आप, आई सिंपली वी नीड टू हैव एन इंट्रोस्पेक्शन इन टू, आप बुरा ना माने मेरे बात पे, हम कौन सा परंपरा को अपनाते हैं,
कौन सा शिष्टाचार को अपनाते हैं, ये मैं सोच रहा हूं आपसे, ये मैं साझा करना चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए तो इंदिरा गांधी शहीद होने की दो दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था, ऐलान की थी, इफ आई डाइड इन द सर्विस ऑफ द नेशन आई वुड बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई एम श्योर दैट एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक। क्या गलत है बताइए तो? मौत होने के दो दिन पहले यह कहते हैं, बांग्लादेश बनाई, छाती पे गोली ली, शहादत ली, कौन सा पैसा कमाई उन्होंने, कितने करोड़ की मालिक थी, कितने पैसा कमाए बताओ आप लोग। सरकार में है 10 साल, अटल बिहारी जी की सरकार में 6 साल, कभी बता सकते कि आप लोग कि इतना पैसा कमाई इंदिरा गांधी ने, बताइए। अच्छा राजीव गांधी चुनावी प्रचार में गई एंड ही वॉज वर्चुअली ब्लोन टू पीसेस, आतंकवाद ने मारा, गाली दे रहे हैं आप लोग। अगर हम इस तरीके से शिष्टाचार को पालन करें तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे बच्चे ने क्या कहेंगे हमें, ये मैं ये आपको कहना चाहते हैं। अच्छा ये जो नेहरू को गाली देता है ना, मैं नेहरू की एक बात आपको बताते हैं। देखिए 1954 21 जून नेहरू जी की एक बात बताते हैं आप लोगों को। अबाउट 10 ईयर्स बिफोर ही पास्ड अवे नेहरू पेंड हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। नेहरू जी की अंतिम विल और अंतिम चाहत को क्या थी जानते हैं, बताता हूं मैं। वो ये कहते थे, विल करके लिख दिया गया था, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद। मौत होने के बाद इलाहाबाद में जाकर हमारे एक मुट्ठी अस्थि को विसर्जन देना, टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन, समुद्र में चले जाएगी, दैट वॉशेस इंडिया सोल, सारे देश की हमारा जो तट है ये तट को जो धोते हैं उससे हम मिल जाएंगे, सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस बी कैरेड हाई अप इन टू द एयर, कुछ अस्थि ऊपर में ले जाना, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, ऊपर से छिड़क देना, ओवर द फील्ड्स, जमीन पे, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहां हमारा देश की किसान मेहनत करते हैं, टॉयल, सो दैट दे मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया एंड बिकेम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा जो अस्थि आसमान से छोड़ के देना, जमीन पे गिरेगी, जहां हमारा किसान मेहनत करते हैं, हमारे किसान जहां मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उस जमीन से हम मिट जाना चाहते हैं, हमारा कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। अच्छा ये अन्ना किया, ये भावना के चलते आज अगर हम लोग उनके गाली दे तो ये शोभा देगी, आप बताइए तो, आप बताइए, आप अपने दिल से पूछिए। श्वेत पत्र पर विषय रख दें, व्हाइट पेपर पर अपना एड्रेस कर। सर आप अगर मुझे ब्लैक पेपर ऑन रिकॉर्ड रखने की मौका दे तो मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड अगर जमा करने की मौका दे ब्लैक पेपर, आप तो बोल। अच्छा जो बोलना तो बोल, दो चार मिनट बोलने दीजिए सर जी। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए हम आज ये जगह आके पहुंचे ऐसा नहीं, आजादी की जंग लड़ी, नलने पड़ी, लाखों की तादाद में लोगों को जेल जानी पड़ी, शहादत लेने पड़ी, तब ना ही आप आजादी मिले, तब नहीं आप पहुंचे। आजादी की पहले हमारा वोट देने के अधिकार नहीं थे, अगर वोट देने का अधिकार हमें नहीं मिलते तो आपका नेता हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और हमको यह नुमाइंदे बन के भी नहीं आ पाते, तो उसको भी तो सराहना करना चाहिए था, है कि नहीं बताइए। हम तो गद्दार नहीं होना चाहिए, हमें कोई हमारे लिए कुछ किया और उनसे हम गद्दारी कर, उनको ना माने, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा 1947 में, हाँ ये सही है कि आजादी की जंग में आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शहीद हुई थी, जिनको हम नेशनल आइकॉन
मानते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, पॉलिटिक्स ऑफ कोऑप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ नार्सिसिज्म, ये आपका तरीका है। अच्छा, 1947-48 साल में हमारा देश में पर कैपिटा इनकम क्या थी जानते हैं? 247 रुपीस, मान के चलिए। धीरे 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 2011-12 साल जब आके पहुंचा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ते आ गया 64,361 रुपया। पॉवर्टी डिक्रीज फ्रॉम 65% इन 1956, 1956 साल में 65% लोगों को खाना नहीं मिलते थे, 11-12 साल में आते आते गिरते गिरते आ गया 21.9% पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु हमारा जब आजाद हुई थी हमारा आयु थी 32 साल, और 2011 साल में आयु बढ़ते 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 आ गया 67 साल, 67 ईयर्स। लिटरेसी रेट 1951 में हमारे देश में लिटरेसी रेट थी 12%, 2011 साल में आ गया 73%। तो ये तो हम ये अगर कहें कि 2011 साल में 73% थे, आपको फर्ज है इसको और बढ़ाना, आगे जो सरकार आएगी उसका भी फर्ज होगी उसके और आगे बढ़ाना। कभी हम रेडियो देखते थे, अब इंटरनेट देखते हैं, अभी इंटरनेट देखते हैं, कभी एआई की छत चलेंगे, रोबोटिक्स चलते हैं। अभी आज हम समय घंटा दिन रात में हम विभाजन करते हैं, ऐसा समय आ सकते कि डिजिटली ये विभाजन होगी, ये दिन भी नहीं रहेगी, रात भी नहीं रहेगी, घंटे भी नहीं रह सकते। तो बदलना ये तो दुनिया के नियम होते हैं, तो इसके लिए हमारे प्रीडिसेसर को गाली देना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कल या 10 साल बाद आपको सत्ता में नहीं रहे आप, उस समय अगर सत्ता से जाने के बाद अगर हमारी तरफ से अगर और कोई दूसरे पार्टी सत्ता पे आए, उसकी तरफ से अगर एनडीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज करते रहे, आपको अच्छा लगेगी? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए, कभी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये कोई ना कोई, मान लीजिए आपका पिताजी जो काम किए हैं, अब बड़ा बेटा होने की नाते आपको और ज्यादा काम करने पड़ेगा, आपके बेटा और आगे जाएगी, ये तो नियम है, ये नियमों की परंपरा में मानना पड़ेगा। देखिए अग्रवाल साहब, सर, यूपीए गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, एंश्योरिंग एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। Famine is now eradicated, with India achieving self-sufficiency in food grain production and becoming a significant agricultural exporter. National Food Security Act, implemented by UPA government, ensures the right to food for every individual. अगर सही बात बताऊं तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगी कि ये जो सरकार है ना, वादा खिलाफी सरकार है। इसलिए वादा खिलाफी है, अच्छे दिन लाएंगे वादा किए थे, 15 लाख रुपया जेब में भर देंगे वादा किए थे, याद करो। अच्छा, 2 करोड़ नौकरी देगी वादा किए थे, किसानों की डबल इनकम करा देंगे वादा किए थे, C2+50% किया था ना, डिमोनेटाइजेशन और काले धन नहीं रहेगी वादा किए थे, एक साबित हुए हैं आज तक, एक सत्य हुए हैं। आप बताइए, हम फिनांस मिनिस्टर जी है मैडम निर्मला सीतारामन जी को पूछेगी, आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उस समय नगदी का प्रचलन था 16 लाख करोड़, अभी नगदी का प्रचलन बढ़ते 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 34 लाख करोड़ आप पहुंचे, क्या बताओ, क्या कहोगे आप? यह आपका फेल्योर है, सरासर फेल्योर है। डिमोनेटाइजेशन के चलते 15 लाख लेबर को 4 महीने के अंदर नौकरी चली गई, आपका हाफ हार्टेड जीएसटी 800-900 बार हो चुके हैं, कानून बदलते बदलते अब चलते हैं, यह हाफ हार्टेड थी। ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर
has grown remarkably since independence, including extensive rail and road networks, connecting numerous villages and towns with electricity and all-weather roads. India leads in mobile subscription globally, thanks to the telecom revolution initiated by Prime Minister Rajiv Gandhi. ये सही है गलत? ये सही है गलत बताइए. अच्छा, ये पंचायत राज किसने लाए थे देश में? ये पंचायत राज किसने लाए थे देश में? The Congress believes that inclusive governance is crucial for inclusive growth. Mahatma Gandhi envisioned panchayat raj as the cornerstone of our democracy. In 1959, Prime Minister Jawaharlal Nehru launched nationwide panchayat raj in Nagaur, Rajasthan. On Gandhi Jayanti, Prime Minister let Rajiv Gandhi emphasize the need for constitutional recognition and empowerment of panchayat raj. It was implemented by another stalwart of our political permanent. Please. White paper पे बात करो. नरसिम्हा राव. White paper तो white paper 2004 से 2014 में जो आपने कारनामा किया है. 73rd and 74th constitution amendment. ऐसे तो कांग्रेस का. We now have nearly 32 lakh grassroots elected representatives, including around 14 lakh women, making India the world's most representative democracy. ये IIT, IIM. ये कौन सा किसका सोच थी बताइए? एजुकेशन में अगर हम लोग तरक्की ना करते तो आज डिजिटल इंडिया की सपना देख सकते? ये लैंड रिफॉर्म किसने किया? ये हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म किसने किया? ये हरित क्रांति किसने लाई बताइए? आज हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं. ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाई? कांग्रेस की जमाने में और स्वामीनाथन की योगदान. Okay. ये हरा क्रांति सफल किया. ये कोई अस्वीकार कर सकता? कंक्लूड करें सर. क्या कंक्लूड करें सर? मैडम सीतारामन जी तो इतने सारे भाषण दे चुके हैं. मैं सिर्फ सीतारामन जी से कहना चाहते कि आपने बहुत सारे स्कैम की बात किए हैं. मैं सर दो चार मुद्दा उठाऊंगा इसमें, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी, ये सीतारामन जी, ये कोल इंपोर्ट स्कैम की बात आप करते थे ना. एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे कोल मिनिस्ट्री में इतने सारे काम होते हैं कि इतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुके हैं, और उल्टी तरफ कोल इंपोर्ट करना पड़ते हैं. किसके लिए कोल इंपोर्ट करना पड़ते है? इसमें एक घोटाला है. इसको कहते हैं कि कोल इंपोर्ट स्कैम. द कोल इंपोर्ट स्कैंडल स्टेमिंग फ्रॉम डिसम्बर 2021 on Carmichael coal mine in Australia, despite its global environmental notoriety, the project secured significant loans, including from the State Bank of India. Okay. The Modi government instructed public sector entities, okay, like NTPC, DVC, to procure coal, purportedly contributing to a power shortage of April 2022. Sir, मैं और एक घोटाले की बात करते हैं. सीतारामन जी जवाब देगी. उसका नाम है विजय माल्या लोन डिफॉल्ट. दस हजार करोड़ लूट के 2016 में ये भागे. डिस्पाइट एश्योरेंसेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हमें वादा किया था. डिस्पाइट एश्योरेंसेस फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर टू ब्रिंग हिम बैक, no action has been taken. 2012 में विजय माल्या को इन्होंने लोन दिया था सर. IDBI और ऑड मोर देन 10,000 क्रोर्स बाय किंग फिशर. इन्होंने बताया सर. ओके कंक्लूड करें माननीय सर. सर बिल्कुल खत्म की कागर पे है सर. अच्छा दूसरे बात सर और 5 मिनट सर. अच्छा, विजय माल्या के बाद आ गया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड PNB स्कैम. अच्छा, इसके बाद आ गया जतिन मेहता एंड विनसम डायमंड स्कैम. उसके बाद आ गया कनिज गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टारलिंग बायोटेक लिमिटेड स्कैम. सबको पता है. उसके बाद आ गए रोटोमैक पेन फ्रॉड स्कैम. उसके बाद आ गए ICICI वीडियोकॉन फ्रॉड स्कैम.
तो इतने सारे स्कैम्प लेकर आप किस पे दोषारोप करते हैं? अच्छा इसके पहले, अच्छा ये भी है, इसके पहले भी स्कैम की बात सुना करो। ओके यूटीआई सर, यूटीआई US 64 स्कीम एक घोटाला, किलोनी सर हो गया, किलोनी कॉल स्कैम सर, दो मिनट, किलोनी कॉल स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैंडल, डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम, इंडिया बराक वन मिसाइल डील, तेल का स्टिंग ऑपरेशन स्कैंडल, भूल गया क्या? एनके प्रेमचंदन जी सर, उस समय हम भी उस समय सदन में थे, कॉफिन कैट स्कैम, भूल गया क्या? मैंने सर सबको एक छोटा सा सलाह दूंगा, ब्लास्ट जो भी करें हम, समाज में सोशल स्टेबिलिटी बरकरार रखना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते समाज में विभाजन करते हुए। 20 करोड़ मुसलमानों को आप धकेलते हुए, समाज से निकालते हुए देश की तरक्की नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल स्टेबिलिटी, सोशल कोहेशन, सोशल पीस, दीज आर द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, मंदिर में दाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। कोई कहता है कि राधा की चुनरी बेगम सलमा ने सीती है। मैंने सुना है रफी साहब महफिल में रघुपति राघव गाता था। मैंने सुना है पंडित प्रेमचंद ईदगाह बच्चों को सुनाता था। ये देश को आप बनाता है। नमस्कार।